धमतरी जिले के 5 अलग अलग जगहों पर चोरी करने वाले 7 आरोपी जीजा और साले को कुरुत पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी का साला नाबालिग है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के सामान को बरामद किया है। इन सभी मामलों में कुरुत पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी ग्राम डोमा निवासी गुलशन यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर बताया कि उनसे अपने नाबालिग साले के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। जो कि सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डोमा निवासी गुलशन यादव और उनके साथ एक विधि में संघर्षरत बालक के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिनको कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने ग्राम बगदेही में तीनों चोरी करना स्वीकार किया और साथ ही साथ 2 बाइक भी इनसे कवर हुई, जो एक भखारा क्षेत्र से है और एक थाना कुरुत क्षेत्र का है। चोरी की गई सामान प्राय सभी सामान, जिसमें से पायल है, अंगूठी है और गले का है और पैर पट्टी है, सभी प्राय जब्त किया जा चुका है।